गुजराती मीडियम सेमेस्टर वन कक्षा सात इकाई एक चित्र के संग संग इसका प्रकार है चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको रोड पर चलने वाले यातायात के साधन जा रहे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बाइक वाला बाइक लेके जा रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा लेके जा रहा है, रिक्शा में एक यात्री को बिठा के जा रहा है, पीछे दो मोटर कार आ रही है। इस प्रकार आपको ये यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस चित्र में देखिए, साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है। उसके बाद सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारा लेके बेचने जा रहा है, रंग बिरंगी गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, मोची अपना सामान लेके बैठा है, डंडे पर तोता बैठा हुआ है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद कुत्ता मुंह लटका के आराम से बैठा है। तो यहाँ पर जो जो क्रियाएं हो रही है वह इस चित्र में बताया गया है। अब इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चित्र में साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है, सब्जी वाली कुंजड़ीन सब्जी बेचने जा रही है, मोची अपना सारा सामान लेके बैठा है, कुत्ता मुंह लटका के बैठा है, तोता डंडे पर आराम से बैठा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बाइक वाला बाइक लेके जा रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा लेके जा रहा है, पीछे दो गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस चित्र में ये सारी क्रियाएँ हो रही है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रही है? तो गुब्बारे हवा में उड़ रही है क्योंकि उसमें हवा भरी है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम होती है तो ट्यूब में हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटका के क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया क्योंकि उसको सवेरे सवेरे खाना नहीं मिला है। पांचवा प्रश्न, कुजरीन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुजरीन सब्जी बेचने वाली गलियों सेरियों बाजारों में जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि सवेरे सवेरे उसको कहीं जाना है और रिक्शे वाले को एक ही यात्री मिला है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, दूसरा चित्र आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कौन सी घटनाएं घटी है। तो दूसरे चित्र में आपको ध्यान से देखना है। कि इस चित्र में जो साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है वो नीचे गिर गया है, कुजड़िन की सब्जी सिर से टोकरी नीचे गिर गई है, उसकी सारी सब्जी गिर गई है, तोता डंडे पर आराम से बैठा था वो आकाश में उड़ रहा है।
गुब्बारे वाले के गुब्बारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ रहे हैं। मोची का सारा सामान बिखर पड़ा है और मोची रास्ते पर आ गया है। कुत्ता जो मुंह लटका के बैठा था वह भागने लगा है। बाइक वाला बाइक से जा रहा था तो पीछे से रिक्शा वाला गलत ढंग से रिक्शा बदल रहा था और रिक्शा वाले ने बाइक से टकरा गया है। तो इस प्रकार इस चित्र में जो जो घटनाएं घटी हुई है वह इस चित्र में दिखाई दे रही है। अब नीचे देखिए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर साइकिल वाला टायर नीचे गिर गया है। सब्जी वाले की सारी सब्जी गिर गई है। मोचीरा अपना सामान बिखर गया है और वो रास्ते पर आ गया है। गुब्बारे वाले का गुब्बारा हाथ से छूटकर हवा में उड़ रहे हैं। तोता जो डंडे पर बैठा था वो आकाश में उड़ रहा है। कुत्ता जो ध्यान से बैठा था वो भाग रहा है। दूसरी ओर रिक्शा बाइक से टकरा गई है। दूसरा प्रश्न टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ है गैस का सिलेंडर, बॉल और प्लास्टिक की थैली। तीसरा प्रश्न है रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। रिक्शा वाला बाइक से टकराया क्योंकि वह गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था और वह बाइक से टकरा गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव बिजली के खंभों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने पर मोची रास्ते पर आ गया। अब प्रश्न तीन, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। आप भी किसी आंखों देखी घटना के बारे में आपको भी बताना है। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न। पहला प्रश्न, चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। तो रबर से बनी हुई चीज़ है गुब्बारा। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर आया था। कुंजनी सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही थी। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेके जा रहा था। तोता डंडे पर आराम से बैठा था। मोची अपना सामान लेके बैठा था। कुत्ता मुँह लटका के बैठा था। इधर बाइक वाला बाइक लेके जा रहा था। रिक्शा वाला रिक्शा लेके जा रहा था। पीछे दो गाड़ियाँ आ रही थी। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा। टायर थोड़ा पुराना होने पर और उससे ज़्यादा हवा भरने पर टायर फटा। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। टायर फटने के बाद साइकिल वाला जो टायर में हवा भर रहा था वो नीचे गिर गया। सब्जी वाली की टोकरी सिर से नीचे गिर कर उसकी सारी सब्जी नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के गुब्बारा हाथ से छूट कर आकाश में उड़ने लगा। तोता ध्यान से डंडे पर बैठा था वो आकाश में उड़ने लगा। मोची का सारा सामान बिखर गया और मोची रास्ते पर आ गया। कुत्ता मुंह लटका के बैठा था वो भागने लगा। जो बाइक वाला बाइक लेके जा रहा था पीछे से रिक्शा गलत ढंग से रास्ता बदल रही थी तो रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया।